बिहार के सिवान जिला के महाराजगंज क्षेत्र में, और ये है मोनिया बाबा का स्थान। मोनिया बाबा का स्थान अपना आप में बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक की जगह बटे, जहाँ पे बहुत बड़ा अखाड़ा, महावीरी अखाड़ा होला और नामी अखाड़ा, मतलब हमरा लगा था जब 5-6 को जिला में सबसे टॉप यहाँ पे महावीरी अखाड़ा होला। और हमारा बचपन से याद बा और यहाँ से बहुत सारा जुड़ाव है, मेरा बचपन की बहुत सारी यादें हैं। और जिस तरह से हमारे क्षेत्र के, चूँकि मेरा भी गांव यहाँ से बगल में सिंधुआर है, तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लोगों ने और भाइयों ने स्वागत किया हमारी पूरी यूनिट का, इसके लिए महाराजगंज और महाराजगंज के आसपास जितने गांव हैं जहाँ के लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां आप सबों के लिए भाई, इतना अच्छे स्वागत किया। और माया, कैसा लग रहा है हमारे गाँव आकर आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा ये लगा जो इन लोगों ने स्वागत किया, बहुत ही प्यार से स्वागत किया, तो मैं भी आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी, धन्यवाद आप लोगों को। और अब आपके स्वागत में एक कड़ी और थोड़ी देर में जुड़ जाएगी जी। जब यहाँ महाराज जी के जब पेड़ा रुआ के खियाल जाये तो अच्छा लगे यहाँ के, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों का। और अब स्कूल लाइफ देखने वाले तमाम लोगों से बता दें कि हम जिस स्कूल में जा रहे हैं, मोनिया बाबा मंदिर से 10 कदम बगल में है उमा शंकर चंपा देवी डीएवी पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में ही हम जाएंगे और यहाँ के बच्चों से मिलाएंगे और देखेंगे कि कितने ही प्रतिभावान हैं यहाँ के बच्चे। आइए आप सब हमारे साथ। मतलब कि संस्कार से भरे हो आप, और ये संस्कार वही मिलता है जब आपकी पढ़ाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हुई रहती है। बिल्कुल। तो आज हम लोग स्कूल लाइफ की खोज में पहुंच गए हैं बिहार के सिवान जिले के उस स्कूल में, उस जगह पे जो जगह अपने आप में बहुत ही पावन है। पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, मोनिया बाबा का मेला। अरे वाह। और यहाँ से जस्ट बगल में मेरा गांव है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। और ये जिस स्कूल में दर्शक लोग हमने पहुँचल बनी, ये स्कूल के नाम हाँ उमा शंकर चंपा देवी डीएवी पब्लिक स्कूल। तेको जोरदार ताली यहाँ के स्टूडेंट्स लोग खातिर खुद बजे के चाहे। क्या बात। और आपको पता है माया कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये स्पोर्ट्स में इतना नाम कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आप ये नहीं सोचो कि मैं सिवान के किसी गांव वाले एरिया में आई हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप देखो, आप मेरे मन की बात कैसे जान गए? मुझे नहीं, मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। क्योंकि जब भी आप गर्ल्स को देखती हैं तो आप सोचती हैं कि यहाँ के बॉयज जो है ना वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ सोच रही है। लेकिन बॉयज टीम कैसे हो आप लोग? मेहराइल बड़ा सा काय कर, देख लिए अपने बॉयज का दम? हाँ देख लिया, थोड़ी चिंतित भी हूँ इन लोगों को देख करके। और अभी आप देखिए हमारे गर्ल्स का दम, आप ऐसे बोलेंगे तो हम चुप थोड़े होंगे। गर्ल्स कैसे हैं आप लोग? अरे बाप, देख लिए, ऐसे भी नहीं चिल्लाओ यार, ये क्या बात है? मतलब बॉयज कमजोर पड़ने लगे तो मतलब इतना चिल्लाओगे तुम लोग? चिल्ला नहीं, ये दम है। लेकिन एक बात जान लूं मैं। हाँ जी। लड़के पहले हारते हैं फिर मारते हैं, कुछ भी देखो तो क्या होता है, शुरू करो तो पहले। हाँ तो मेरी गर्ल्स में इतना दम है तो हम गर्ल्स को ही पहले बुलाएंगे। ठीक है, गर्ल्स में से कोई है क्या कुछ दिखा के कुछ करने वाले, कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा? वो देखिए वो बच्चे छोटे छोटे आ जाइए। अरे वाह, तालियां। वाह, 5 मूर्तियां, 5 माताएं, और सब माताएं एक बराबर। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, आप? खुशी। और आप? रिधिमा। और आप? वेन्या। आपका नाम? आकृति। आकृति, क्या करने वाली हैं आप लोग? हम लोग सॉन्ग करने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं। भजन गाने वाले हैं, ओके। दर्शकों यहाँ पे भजन होने वाला है, तो चलिए भजन का हम लोग आनंद लेते हैं। कौन सा भजन है, कैसा है, सब लोग एक साथ गाओगे?
ठीक है माता जी, आप लोग आइए, हम सुनते हैं। पंचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएंगे थैंक यू। सारा टाइम तुम ही लूट लोगे, फिर लड़कों का क्या होगा फिर बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत किया आपने। थैंक यू। वाह, पूरे पैराग्राफ को इन्होंने याद कर रखा पूरा। और आप सब एक ही क्लास में हो क्या? यस यस। माइक में हां यस, एक ही क्लास में हो? यस। ओके, तो आप पांचों सखियां हो क्या? यस। ओके, सबसे बदमाश कौन है इसमें? कोई नहीं बदमाश बताएगी नहीं है। अच्छा, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है इसमें? सब लोग क्या सेटिंग है इन लोगों की, दर्शकों क्या सेटिंग है, मतलब वैसे बहुत अच्छा। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं? यस। पूछूं? यस। सबको मतलब नहीं बता, एक किसी एक से पूछूंगा मैं। ओके ठीक है। अब गर्ल्स टीम को फंसाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मैं तो बॉयज टीम का हूं। पूछे हमारी गर्ल्स डरती नहीं है। कोई गांव वाला सवाल में एक फंसाने वाला बचपन में जो मैं सुना। हाँ, एक सवाल मेरे दिमाग में आया। अगर पांच हैंकी को, रुमाल को एक घंटे में सुखाया जाता है, 10 सुखाने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। हो गया ना, 1 घंटा ही लगेगा। कैसे? ये देख लिया, 1 घंटा ही लगेगा, बिकॉज हमने उसे धोया है और 5 हैंकी को अलग अलग सुखाया ना, वैसे ही 10 हैंकी को अलग अलग सुखाएंगे तो 1 घंटा ही लगेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको सिखा देना, इसको भी सिखा देना, ये भी 2 घंटे में सुखा रही थी। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो तुम लोग आ जाओ यहाँ। ओके माया जी। हाँ जी। बहुत अच्छा यार, क्या बात है। अब बॉयज टीम की बारी है। मैं तो सोच रहा हूँ दर्शकों कि एक सीधा साधा लड़का को बुलाओ, एक सीधा साधा स्टूडेंट जो बोलता कम होगा लेकिन प्रतिभा बहुत ज्यादा होगी उसमें। तो प्लीज वेलकम, हमारे सामने 2 लोग हैं, आप लोग प्लीज वेलकम, आइए तालियां बजा दो इनके लिए। ये तो अभी ही मेरे से बड़े हो गए, इतनी हाइट है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, फिर आगे मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, अनमोल, वाह, किसने नाम रखा आपका? पापा ने। पापा ने, ओके ओके। और आपका? अभिजीत। अभिजीत, अनमोल, दोनों फ्रेंड हैं आप लोग? यस सर। ओके, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th,
आप दोनों नाइन्थ में हो? पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, फिर टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। नो सर। ये बाबा इसने क्या? अच्छा किस चीज में मन लगता है? आखिर तो कोई ऐसी चीज होगी ना, एक्टिविटीज जिसमें मन लगता होगा। आजकल पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग स्कोप हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में। अच्छा स्पोर्ट्स में क्या खेलना पसंद करते हो, क्या खेलते हो? हॉकी। हॉकी खेलते हो, इनका भी? हमको पढ़ाई में तो मन लगता है। ओके वेरी गुड, तो क्या करके दिखाने वाले हैं आप दोनों? गाना गाएंगे। ये माइक लीजिए, गाना गाएंगे। ओके वेरी गुड, तो इनके गाने के लिए एक जोरदार तालियां, इनका गाना सुनते हैं। पहले तालियां बजाएं। सुनाइए क्या सुनाएंगे? वेरी गुड, इस माइक में सुनाना होगा। मैं हट जाता हूँ थोड़ा पीछे से, गाइए फिर आपको देखते हैं ऐसे सामने से। मेरे वतन के लोगों, तुम जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारे, अब हम तो सफर करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अनमोल और अभिजीत दोनों ने अच्छा किया। अच्छा एक दो बातें और पूछो, जो धीरे से पूछो तो तुम लोग बताओगे? झगड़ा भी करते हो दोनों एक दूसरे? इतना भी धीरे मत पूछो कि मैं भी ना सुनूं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा अच्छा दोस्त कौन होता है, किसको अच्छा दोस्त बोलेंगे? जो मुसीबत में साथ दे। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, इस स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो, कैसा लगता है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कोरोना में जब तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे और अभी ऑफलाइन तुम आके यहाँ पे पढ़ते हो, तो कैसा, किस में ज्यादा मजा आता, आनंद आता? ऑफलाइन में। ऑफलाइन में ही, क्योंकि दोस्तों के साथ मजे करने में मजा आता है, एक जगह बैठे रहो, मन नहीं लगता। अच्छा कौन ऐसे सर हैं जो जिनसे आप पढ़ना ज्यादा पसंद करते हो और लगता है सर क्लास में आए तो आपको अच्छा लगता है? आलोक सर और प्रिय रंजन सर। क्या खासियत उनकी क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे इतना धीरे बोल रहे हो या बोलते ही वैसे? ऐसे ही बोलते हैं। इतने शांत हो, लड़के हो ना? अजीत जी कह रहे थे पहले शर्माते हैं फिर वो खुल के आते हैं। आएंगे, आप भी कहाँ आए, दिखाइए ना। नहीं, बहुत बहुत अच्छे लड़के, हमारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाने के अलावा यहाँ के बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई की भी बातें होंगी और स्पोर्ट्स की भी बातें होंगी, उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आइए, और आज हम लोग स्कूल जीवन की खोज में पहुंच गए हैं महाराजगंज सिवान जिले में। और महाराजगंज के जो ये यहाँ डीएवी स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत ही प्रतिभावान हैं भाई। हो खूब काहे नहीं कहे कि हमारी एरिया है ना, समझाता नहीं तो टैलेंटेड इनका छुट्टा छोड़ देता था ना, बोले ना इतना बोलते हैं कि मतलब पूछिए मत। नहीं देखिए ये तो मैं क्या बताऊं, मैं इन लोगों के बारे में जितनी बड़ाई करूं उससे ज्यादा मैं आप सबको दिखा दूं कि यहाँ के बच्चे कितने प्रतिभावान हैं पढ़ाई से लेकर के सारे फील्ड में, हर एक फील्ड में। तो माया जी, हाँ जी। अब एक किसी गर्ल की बारी है
उसके बाद फिर मेरे टीम से एक लड़का आएगा जो अपना हुनर दिखाएगा। वैसे मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने इनके मुंह से निकला कि गर्ल्स की बारी है, वरना ये अमूमन कहते नहीं हमारे लड़कों की बारी है। ऐसा नहीं है। गर्ल्स आप लोग रेडी हैं क्या? ओके, फिर क्या क्या दिखाओगे? कौन गाएगा, कौन कुछ पोएम सुनाएगा, कौन क्या करेगा स्पेशली? भजन। क्या बात है, देख लीजिए। फिर तो भजन बैठ के ही गाओ तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। ये माइक लो, सबसे पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है, मैं मिश्रौलिया गांव से आती हूँ और आज मैं यहाँ एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वेरी गुड। और तुम्हारी कितनी सखियाँ हैं पहले ये बता दो हमें। मेरी कोई मतलब फिक्स नहीं है कि मेरी कोई भी सखियाँ हैं, लेकिन हाँ जो जिसको मैं मतलब सपोर्ट करती हूँ वो हम मैं उनको अपना सखी बनाई लेती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। तो इनके लिए तालियाँ बनती हैं कि नहीं? हाँ तुम बजाओ ना फिर। हाँ जी गाइए। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, हो यमुना की लहरे बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, हो यमुना की लहरे बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। वाह 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 वाह, श्रद्धा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जितने प्यारे लग रहे हैं आप, उतना ही प्यारा गाती भी हैं आप। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा, एक मेरी छोटी बहन और एक छोटा भाई। ओके, और आप सबसे बड़ी हैं? जी। ओके, अच्छा पढ़ने में आप दोनों बहन में सबसे अच्छा कौन है, ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना। देखो टेलीविजन पे पूरी दुनिया देख रही है। मेरी बहन ही है। वो ज्यादा तेज है तुमसे। जी जी। आगे चलने क्या बनना चाहती हो? आईपीएस। ओके। तो ये सिंगिंग गाना कब से गा रही हो? ये अभी जो 2-3 साल पहले हमारे एक म्यूजिक टीचर थे, एके नवीन सर, जब वो है तो मुझे मतलब वो इतना अच्छा गाते थे कि मुझे बहुत इंटरेस्ट। तो यहाँ आपके स्कूल में यहाँ म्यूजिक का माहौल है, म्यूजिक सिखाया जाता है और उस पर टाइम दिया जाता है बच्चों को? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप फिर हमारे साथ खड़े हो जाइए यहाँ पे। और अब दर्शकों क्या है कि अब हमारा कमर दुखा गल बैठे पता बाबा चल रहे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉयज टीम से बुलाते हैं लेकिन एक शर्त रहेगा, इस बार सिर्फ गाना गाना। मतलब क्या मतलब टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम है तो सिर्फ गाना ही हो, ये मुझे पसंद नहीं है, अदर एक्टिविटीज भी हो कुछ। हाँ तो कुछ दिखाइए, कुछ खास है क्या आपके पास? है मेरे पास, मैं जादूगर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ जादू से। देखिए वो तो मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, जो मुझे बोलने नहीं देते वो सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों में क्या दिखाना चाहते हैं? बच्चे के पास क्या है? एक मिनट, वो क्या है, क्या है आपके हाथ में? इधर आइए, इधर प्लीज आइए, इधर आप यहाँ खड़े हुई, ये क्या है? क्यूब, रूबिक्स क्यूब। ओके, कौन सा क्यूब? सॉरी, रूबिक्स क्यूब। ओके, अच्छा आपका नाम क्या है? फैजान बाबर खान। फैजान बाबर खान। ओके, कौन से क्लास में आप? 9th। अच्छा मतलब यूँ समझिए देसी भाषा में, इसको अगर खराब किया हुआ ऑलरेडी रहे ऐसा कुछ, तो ये बहुत जितने ही कम टाइम में इसको ये ठीक करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, यही इसका ये गेम है मतलब। yes. जो समझिए। हाँ. तो आप इसको कितने देर में ठीक कर सकते हैं? अंडर 2 मिनट्स। टू मिनट्स
अरे कुछ करो यार, 30 सेकंड्स के अंदर हो जाए कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिजान के लिए एक तालियां बजाइए, फिर ये करके दिखाएंगे। चलिए आपको स्टॉपवॉच पे देखना है कितनी देर में इसको ये ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? ओम कुमार। आप भी कर पाते हैं क्या? जी कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं, इतना फास्ट नहीं कर पाते। इतना फास्ट नहीं कर पाते, तो पहले इनको कराते फिर आपको देखते हैं। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। लफड़ा मचा इधर देखो, ये देखो 37 सेकंड्स हो गए। ये बड़ा उलझा है, है, है। अरे हाँ, देख रहे कैसे चल रहा है, बहुत तेजी से टाइम जा रहा है। एक मिनट होने को है, और अगर आप अपने वादे के मुताबिक 2 मिनट के अंदर नहीं कर पाए तो फिर देख लीजिएगा। फिर क्या, फिर लड़के हार गए। बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है, 1 मिनट 11 सेकंड है ना, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। मेरा काम है बिगाड़ना, इनके जैसे बच्चों का काम है बनाना, इसको बोलते हैं। और माया की मुस्कुराहट कुछ और बता रहे, क्या हुआ माया, कुछ बात है? यही कि अपने बारे में पहली बार ये सच बोले, इनका काम है बिगाड़ना। यहाँ पे बिगाड़ना, और आपने मैं तो सोच रहा था आपको भी फंसा दूं, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं, ये मोनोटोना सा जगह है, कुछ और करते हैं। माया तुम देखी ना लड़कों का कितना, लड़कों में दम कितना होता है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग जोश में आते हैं। हाँ हम आपको चांस दे रहे हैं, हम बिल्कुल चांस दे रहे हैं, हमारी लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी रेडी है। तो दर्शकों अब यहाँ पे गाने के बाद, इस तरह के गेम के बाद, अब हमारे सामने 2 बच्चे दिख रहे जिनके हाथ में ड्रॉइंग है कुछ ऐसा कुछ, तो प्लीज आइए आप इधर। कि यहाँ के बच्चों में आज के शो को लेकर के बहुत ही जोश है। और अभी हमारे साथ हैं आप, क्या नाम है? शमन जैसवाल। ओके, तो आप क्या, ये आपने ड्राइंग कर रहा है? हाँ। ओके, क्या क्या करा आपने ड्राइंग में, आप बताते चलिए और दिखाते चलिए। ये मेरे फादर का है। ओके, यहाँ तो कुछ भी नहीं अभी। ये हाँ, ये किन की तस्वीर है? ये मेरे फादर का है। ओके, ये आपने कब बनाया था? ये मैंने 1 साल पहले बनाया था। 1 साल पहले। हाँ। तो ये पहली तस्वीर है जिसको आपने स्केच किया था? नहीं। हाँ, सबसे फर्स्ट तस्वीर कौन सी थी स्केचिंग जो आपने कर रखा था, याद है कुछ? एलिफेंट। ओके, और ये किन की? ये मेरी सिस्टर की है। ओह वाओ, ये मतलब हमें लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आपने फिर ऐसे बनाया, कितने टाइम लगता है इसको बनाने में? 3 आवर्स। 3 आवर्स लगता है। ओके, मेरा बना सकते हो? यस। आप बनाते हैं तो ऐसे मतलब बिठा के या फोटो देख के बनाते हैं? फोटो देख के। ओके ओके, ये क्रिश की है। अच्छा, क्रिश की। यस। ओके, क्रिश आपने देखी है? यस। आप लोगों ने देखी है क्रिश फिल्म? और ये शिवाजी की है। अरे वाह वाह, वेरी गुड। और ये मेरे सर प्रियंजन पांडे की है। अरे वाह, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं सर आपके। और सर से हम मिले नहीं अभी, लेकिन मैं मिलना चाहूंगा अभी कि सर हैं कहाँ पे, आए हैं सर ना? हाँ है। ओके ओके ओके, प्रियरंजन सर। यस। ओके, कहाँ हैं आसपास में प्रियरंजन सर? ओके, उनको बुलाया जाए प्लीज। और ये मेरा फ्रेंड अर्पित। क्या नाम है इनका? अर्पित। अर्पित किधर है? क्लास में। अच्छा, क्लास में। ओके, कुछ बच्चे क्लास में भी हैं, चूँकि हम सारे क्लास के बच्चों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, और क्लास भी तो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। ओके, ये भी शिवाजी कहिए। अरे वाह, ये आपने अलग अलग समय में बनाया दोनों? हाँ। अच्छा, माया? हाँ। और ये मेरे सर अजीत सर का है। अजीत सर, मेरा भी तो नाम अजीत सर है। नहीं सर नहीं, अजीत नाम है मेरा। ओके, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बस पता है हमने आपने क्या किया है, इसमें सर की मूछें थोड़ी आपने चौड़ी कर दी है, ऐसा कुछ? हाँ। देखिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक, कर देंगे बाद में। बाद में कर देंगे। बहुत ये अच्छा। साई बाबा का है। अच्छा, साई बाबा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मनीष का है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये अमिताभ बच्चन। अरे वाह,
कौन बनेगा करोड़पति? हम बनेंगे। लगता खूब फेमस हो। ये किनकी तस्वीर है? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ की? अरे वाह, ये एसके मिश्रा सर की है। अच्छा, एसके मिश्रा सर। तो आप उन सर लोगों की फोटो बनाते क्या जिनसे आप नफरत करते हैं या प्यार करते हैं? नहीं, किसी के नहीं। अच्छा अच्छा, अरे सर क्या बात है। एक मिनट, अब तो हम मिला है, मुँह मिला था कि ना? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपकी बारी है, आप दिखाइए क्या बना है। अच्छा, एक और है। अच्छा, तो फास्ट दिखाएंगे हम यहाँ, क्योंकि और भी बच्चों को हमें चांस दे। ये लता मंगेशकर का है। अरे वाह, अरे वाह, लता जी के तालियां, लता जी के तालियां, संगीत की देवी के लिए तालियां, क्या बात है। अरे मेरे फादर का है। अच्छा, ओके, लेकिन पिछली आपने जो तस्वीर पापा की दिखाई थी वो तो कुछ और थी, वो बहुत पहले की थी, फोटो पहले की थी। ओके, अच्छा, और ये अभी प्रेजेंट की है। अच्छा, प्रेजेंट की है, हो गई खत्म, हो गया। अच्छा, हो गया, ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार पुनः तालियां बजाएं इनके लिए, आप इनको मदद करिए। हाँ, ये आपका नाम क्या है बताइए? प्रियांशु परमार। प्रियांशु, ओके। अरे वाह, ये बहुत सी बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। यस, साईं बाबा जी, क्या बात है, क्या बात है। देखिए बच्चों में कितना टैलेंट है। ये इंदिरा गांधी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये नीतीश कुमार, बिहार के सीएम, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, क्या बात है। ये भीमराव अंबेडकर। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या फिनिशिंग है। हाँ, मतलब ये शिवाजी। ओह वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे ये है महाराणा प्रताप। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये अमिताभ बच्चन द सच। ये मैं अभी बना रहा हूँ। किनकी तस्वीर बना रहे हैं आप? ये रोहित शर्मा की। ओके, अभी अच्छे इनके बाल उगे नहीं अभी इसमें। बनाने। ओके, बाल उगाएंगे ये अभी और कपड़े भी पहनाएंगे। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बनती है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे तो इनसे ये पूछना है कि कब से सीख रहे हैं आप बनाने? 8 इयर्स हो गए। अभी क्या उम्र होगी आपकी? 13। ओके, कितनी अच्छा, तो प्रैक्टिस क्या माया, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग से बाबू, अलग से प्रैक्टिस? यूट्यूब से थोड़ा देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब से देख करके। तो कितना टाइम आप देते हैं अमूमन अपने पढ़ाई के रूटीन के अलावा इसमें? 4 to 5 hours। ओके, तो स्कूल में भी कोई आपके सर हैं जो बताते हैं इस तरह की चीज़ें? कौन सर हैं जो बताते हैं? अनिल सर हैं, और बहुत सारे, पहले मैं 2 या 3 क्लास में था ना, तो मुझे बहुत सारे टीचर ने इंटरेस्ट दिया था इसके लिए। अच्छा, ओके, ओके, ओके। पहली बार कब, कितनी उम्र में आपको लगा था कि मतलब हम स्केचिंग हमें बनाने का मन करता है या ऐसा कुछ? और कौन सी तस्वीर फर्स्ट बार बनाई थी आपने? 7 years में, और मैंने पहला स्केच बनाया था बटरफ्लाई का। ओके, तो आपके घर में भी कोई बनाता है, स्केचेस करता है? नहीं, बस मैं। ये पता है, ये आज के बच्चों में बहुत सारा ये इस तरह का टैलेंट, एक्स्ट्रा टैलेंट जो है आ रहा है, और ये पहले के समय में लोग इसको नहीं निखारते थे माया। पहले जब इस तरह के बच्चे करते तो बोलते थे सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन आज जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो जो चेंजिंग हुआ है उसमें ये लाया गया कि आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी है तो उसको निखारा जाता है। बिल्कुल, तो एक तो मैं ये कहूँगी मेरी भी एक फोटो बना देना, मैं लेके जाऊँगी। ओके, थैंक यू, चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो स्कूल लाइफ, सिर्फ और सिर्फ MH1 पर। और बिहार के सिवान के महाराजगंज क्षेत्र में हम डेवी स्कूल में हैं, जहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपको पता है, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ ना खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं भी बहुत अच्छी थी खेल कूद में। पहले के ज़माने में हमारे गार्जियंस कहते थे, एक गाँव का कहावत में मुझे याद आ रहा है कि पढ़बो लिखबो तो होखबो नवाब, खेलबो कूदबो तो भोखबो खराब। वो परसेप्शन अब चेंज हो गया। आज के समय में अगर आप खेलोगे कूदोगे
तभी भी बड़ा बन सकते हो, तब और ज्यादा बड़ा बन जाओगे। मुझे देखिए ना, मैं कितनी बार बोलूं आपको, मैं भी तो खेल कूद में बहुत आगे थी। इनका एक देखा था मैं, ये स्पोर्ट्स में ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे अगर इतने अच्छे खेलने में हो जाए या उनकी किसी भी प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल के टीचर्स की उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हमारे कैमरे के ठीक पीछे हमारे जो कोचेज हैं वो लोग सर लोग हैं वो खड़े हैं। तो आइए आप सब उसे मिलाता हूँ, मैं भी बातें करूँगा। सर वेलकम सर, नमस्कार। थैंक यू सर। ये माइक लिया जाए। गुड नेम सर, क्या हुआ? मैं दीपक कुमार सिंह। I am working as a physical education teacher. आप लग भी रहे हैं coach. Slim trim एकदम बिल्कुल जी। My specialization is cricket. Okay. Yes sir. वाह वाह वाह। तो कितने दिनों से आप इस स्कूल में हैं? अभी मैं 2018 से इस स्कूल में हूँ। Okay. और मैं जब 2018 में इस स्कूल में यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था जी। तो उस टाइम हमारी जो स्कूल की टीम थी पूरे बिहार में सेकंड पोजीशन की थी क्रिकेट में। अरे वाह। और उसके बाद हमारे स्कूल से 6 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने डीएवी नेशनल के लिए क्वालिफाई किया था, उनका सिलेक्शन हुआ था जो कि बिहार के टीम में थे जी। और 6 बच्चे वहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे बिहार के तरफ से नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में जी। उसके अलावा हमारा जो एथलीट की टीम है वो भी हमारे पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा। पहले नंबर पे डीवी कैंट एरिया गया है और दूसरे नंबर पे हमारे डीवी पब्लिक स्कूल महाराजगंज है जो कि ओवरऑल रनर अप हम लोग हुए थे। और उसके साथ साथ हमारा एक ऐसा लड़का है राकेश कुमार यादव जिन्होंने लॉन्ग जंप में ऑल इंडिया नेशनल मेडलिस्ट है, लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल है उनका जो कि पूरे भारत में फर्स्ट पोजीशन किया, वो भी सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो कि पूरे इंडिया में ओपन होता है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे, वो कोई भी खेल सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल अंडर 14 ग्रुप में लिया और बिहार सरकार ने उन्हें खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया। क्या बात है। मैं सर से भी बात करना चाहूँगा। सर गुड नेम क्या हुआ? मैं संतोष कुमार सिंह फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन टीचर। अरे वाह। सिंस 2011। अच्छा 2011 से? जी 2011 से इसी विद्यालय में। अरे वाह। तो यहाँ के बच्चे फिर आपसे बहुत ज्यादा मतलब एक्चुअली नहीं, किसी नहीं, भी मैंने तो सर को देखा सुबह आते ये फ्रेंडली नहीं, बच्चों में इनका खौफ है, बहुत खौफ है। एक्चुअली होता क्या है कि हर विद्यालय में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर डिसिप्लिन भी देखता है और उस डिसिप्लिन के नाते बच्चों के अंदर ये तो रहना चाहिए कि हाँ जो सेल्फ डिस्टेंस है वो हो, अगर वो नहीं रहेगा तो फ्रेंडली होना चाहिए। मैं नहीं कहता फ्रेंडली ना हो, फ्रेंडली हो, बट उसके साथ ये भी ध्यान रहे कि आपके और बच्चों के बीच की जो दूरी है उसमें सिर्फ प्रेम दिखाई दे और उस प्रेम के साथ साथ थोड़ा सा डांट डपट तो होता ही रहता है। अनुशासन मेन अनुशासन ही है। नहीं तो प्यार अगर आप दे रहे हैं ज़्यादा तो प्यार देने के साथ साथ जैसे होता है ना कि एक कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो उस घड़े को बनाने के बाद ठोकता भी है, ठोक के देख लेता है कहीं इस पर क्रैक या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो क्या करता है ठोकते वक्त नीचे से अपने हाथों को लगाता है घड़े में, सपोर्ट देता है जी। तो हम भी वैसा ही करते हैं। 2011 से आपने यहाँ ज्वाइन करा है जी। और अब 22 चल रहा है, तो इतने वर्षों में मतलब फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के क्या बच्चों की संख्या बढ़ रही है या इससे संख्या कम हो रही जब है? हम लोग आए थे, बच्चे भाग रहे जब हम लोग आए थे तो ये जाहिर सी बात है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं एक अनुमंडल है। यहाँ पे जब हम बोले थे कि यहाँ पे खेलकूद भी होता है हर विद्यालय में, हम खेलकूद कराना चाहते हैं, तो गार्जियन पीछे भागते थे, सर मैंने तो अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा, आप बोल रहे हैं खिलाओ, सर ये खेलेगा तो पढ़ेगा कब? तब उनको बताया गया कि खेल के ये जो पढ़ाई है और ये खेलकूद है, ये शारीरिक शिक्षा जो है वो भी शिक्षा का एक अभिनंग है, एक अभिनंग है। अगर आप बोल रहे हैं पढ़ो, कैसे पढ़ो? अगर आपका बच्चा एक्टिविटी में आगे है और कोई ना कोई अगर खेलकूद में है तो जाहिर सी बात है उसकी क्या शारीरिक क्षमता बढ़ती है ना। बिल्कुल। जब शारीरिक क्षमता बढ़ेगी वो स्वस्थ रहेगा, वरना अगर आपकी सपोर्ट देट आपके सर में दर्द हो और मैं बोलूं कि ये मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्या आप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैंने जब इसके बारे में बताया कि नहीं इस मतलब ये खेलकूद में भी कौन कौन सा प्रोग्रेस और कहाँ कहाँ तक बच्चे जा सकते हैं जी, या ये भी एक जो पढ़ाई का अभिनंग है तो इसमें कहाँ कहाँ पर आपका फील्ड है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो और इसके थ्रू आप जॉब कहाँ तक ले सकते हो जी। जब ये सारे पोटेंशियल यहाँ के लोगों को बताया गया तब लोगों ने कहा कि हाँ ओके सर, हम चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और जो मतलब एक से दो मेडल आते थे यहाँ पे इस विद्यालय में, आज देखिए ओवरऑल चैंपियन बना हुआ जैसा कि सर ने बताया। गुरु बिन ज्ञान कहाँ किसी भी फील्ड का, तो अच्छे गुरु हो तो फिर बच्चे भी अच्छा निकलते हैं। और हम सबको उम्मीद है कि आगे आने वाले भविष्य में भारत को यहाँ से बड़े बड़े लोग मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो दर्शकों क्या है ना कि अब यहाँ पे स्पोर्ट्स में अभी हम लोग क्रिकेट देखे, अब अदर एक्टिविटीज़ में चलते हैं, देखते हैं कि बच्चों में और कितनी प्रतिभाएं हैं। आइए हमारे साथ। इस स्कूल में कितना टैलेंट भरा पड़ा है इन बच्चों में। और ये जो अजीत जी है ना, देख रहे हैं कि लड़के जो होते हैं ना क्रिकेट देख के पागल ही हो जाते हैं, वो उधर ही रुक गए क्रिकेट खेलने। लेकिन मैं हूँ ना, मैं लड़की हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं इनके बिना प्रोग्राम शुरू कर दूँ। लेकिन हर लड़की ना हर किसी की रिस्पेक्ट करती है और अपने से बड़ों का और रिस्पेक्ट करती है, तो एक बार मेरे लिए ताली हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या खास होने वाला है वो मैं जी बताएंगी। क्या होने वाला अभी? हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, वो बहुत प्यारी सी पोएट कुछ सुनाएगी। आइए। अच्छा? हाँ, ओके, वेरी गुड। यहाँ आ जाइए, इनको माइक दीजिए। ये माइक पकड़ो आप। एक मिनट, पहले इनको छतरी लगा दो, जरा धूप लग रहा है। अच्छा, धूप तो नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? लोग कहेंगे पागल है ये, लेकिन पागल में कहलाना नहीं चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेणिका सावर्णा। ओके सावर्णा, क्या सुनाओगी, क्या करके दिखाओगी? आज मैं यहाँ पे एक पोएम सुनाने वाली हूँ। जी। तो पोएम का नाम है नेचर। नेचर? हाँ। नेचर, वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग सुनना चाहते हो? यस। यस, तो यस बोलने से नहीं चलेगा, बजानी पड़ेगी तालियां इनके लिए। जी सुनाइए। Everything is nature, God gave it this feature. Birds fly in the sky and mountains are so high. Trees are green and water is so clean. But we are not kind to it, we are only harming it. Please leave it as it is, don't try to play with it. Thank you. Wow, 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 wow. कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं अभी फोर्थ में हूँ। फोर्थ में हैं, ओके। और कहाँ की हैं रहने वाली आप? अभी तो मैं महाराजगंज में रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव बेगूसराय है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा पोएम सुनाया। क्या बनना चाहती हो आगे, क्या करना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओ वाह, डॉक्टर साहब जरा देखिए तो मेरा नली कैसा कैसे चल रहा है। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब पोएम के बाद कुछ और हो जाए, क्या होगा? ये वाइट ड्रेस में कुछ अलग से दिख रही है, आ जाओ। अलग से दिख रही है मतलब, ये तो भाई हमारा भाषा में मुंह फोड़वा ड्रेस है। ये वो करने है। ये माइक लीजिए। क्या नाम है? गुड नेम बताइए। दृष्टि। ओके, तो ये जो ड्रेस है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ड्रेस, किस चीज का ड्रेस है? ये कराटे ड्रेस है। कराटे ड्रेस। मुंह फोड़वा मतलब आप सही बोले थे। हम देसी अंदाज में बोल रहे हैं क्योंकि दर्शक जो है ना, टेलीविजन देखने वाले हर वर्ग के लोग हैं, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने से तो चलेगा नहीं, कुछ हमारे देसी भाई लोग हैं जो हमारी भाषा को समझेंगे। तो कितने देर प्रैक्टिस करती हैं आप? हम सुबह में एक दो घंटा। अच्छा। और संडे को प्रैक्टिस करते हैं। तो कराटे में सबसे क्या चीज़, बेसिक चीज़ सिखाया जाता है? बेसिक स्टांस होता है। अच्छा। कराटे में अगर हमें स्टांस आता है तो हमें मतलब कराटे भी आता है। बढ़िया। क्या होता है स्टांस, मतलब होता क्या, कैसे करेंगे वो? सर तो मेरे एक ट्रेनर हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको बुलाना चाहें, वो मेरे को कमांड करते हैं, उनके बिना नहीं कर पाते हैं। सर का स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। स्टांस कुमतेश एच नी शैम शी गो रुक सिट एक खो जो इच नी शैम शी गो रुक सिट एक खो जो इमितेश। ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हम बच गए। सर ये जो आप, ये जो आप जो साउंड प्रॉम्प्ट कर रहे थे, ये कौन सी भाषा है, मतलब क्या है वो? ये एक्चुअली चाइनीज जापानीज की कुछ, ये जो स्टांस अलग अलग स्टांस होते हैं उसके वो नाम है। ओके 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 ओके, थैंक यू, आपने मुझे बचा दिया कम से कम। हाँ, मेरे को लगा वो मैं, आपने मुझे बोला था ना कि मारो, मुझे लगा वो आपकी तरफ बढ़ी और मैं देख मारू तो छः में छः हो जाएगा। कब से सीख रहे हैं आप ये?
तीन साल। आप कराटे सीखते हो बट आप जीवन में कुछ लक्ष्य होगा आपको कि क्या बनना है क्या करना है ऐसा कुछ? हाँ, मेरे को डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। ओके, तो ये सीखने के पीछे क्या क्या सोच के आपने सीखा? हाँ, क्योंकि आजकल डिफेंसिंग बहुत अच्छी है तो गर्ल्स को मतलब गर्ल्स के लिए अच्छी है डिफेंसिंग। हाँ जी। तो इसीलिए मेरा शौक भी है बचपन से, इसीलिए मैं स्पोर्ट्स में भी मतलब आगे जाना चाहती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, हमारी शुभकामनाएं, अब खूब आगे तरक्की करो, बढ़ो, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है। आप लोग देख रहे हैं स्कूल किस चैनल पे? MH1 पे। जैसे मेरी बातों में जो रिक्त स्थान है उसको जो भर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लोग भी एंकर बनने का शौक रखते हैं, ऐसा सही है? मैं सही बोल रहा हूँ? कौन कौन एंकर बनना चाहता है? कौन कौन? अरे बाप, इतने हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे बाप, मेरी ड्यूटी खत्म, इधर बहुत सारे लोग हैं। बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग एंकर बनना चाहते हैं वो तो पता चला, लेकिन अब देखते हैं कि सही में एंकरिंग वाली गुण है कि नहीं है। इधर से किन्होंने हाथ, किन्होंने उठाया? ओके, वेरी गुड, कैसे एंकरिंग करेंगे इस शो का? इस शो का नाम है स्कूल लाइफ और MH1 चैनल का नाम है। एक ब्रेक जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ब्रेक लेके दिखा दीजिए या कुछ करके दिखा दीजिए या कुछ ओपनिंग कर दीजिए। नमस्ते, मैं आयुषी पाठक आप लोगों के साथ अभी हूँ महाराजगंज के स्कूल में जहाँ पे रियल शूटिंग चल रही है। सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको लेकर, तो तालियाँ हो जाए एक बार। सही बोल गई, सही बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर से भी किसी का, इधर से भी ये भी छोटी सी बच्ची, इधर से आप, अच्छा उधर भी आएंगे, उधर भी, हाँ इधर माइक दीजिए जी। नमस्कार, मैं स्ट्रेंजल, हम लोग यहाँ पे हैं महाराजगंज DAV में और सबसे पहले एक जोरदार तालियां क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, यहाँ पे शूटिंग हो रही है रियल लाइफ में, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटमेंट है अपने आर्ट को दिखाने के लिए। सो सब एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि इस एपिसोड के बाद अब भगवान बचाए मुझे प्रणाम करने से, पता नहीं DAV से कोई मतलब कोई वेस्ट एंकर बन के आ गया, मैं तो रुक खतरा बात हो ऐसे ना समझा थे कि अपन इन लोग के टाइम बाद, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स हैं। तो अब नेक्स्ट टैलेंट क्या है वो हम देखना चाहेंगे और हमारे पीछे मैंने नोटिस करा था। ओके, आप प्लीज आइए, इधर आइए पहले, बहुत परेशान दिख रही है काफी देर से। हां, ये देखिए, मैं सौम्या राय यहाँ पे अपना आर्ट दिखाने आई। अरे वेरी गुड, आप स्केचिंग करती हैं? हाँ। ऐसे करके दिखाइए दर्शकों को और बताइए भी कि क्या बनाई है आप। ये एक मधुबनी पेंटिंग है। ओके, वेरी गुड, सबको देख। देखिए, हंसने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं। हाँ। बट सौम्या ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्केचिंग करी है। और सौम्या, मतलब ये आपका शौक है, कहाँ से आया, कहाँ से आपको ये आया? फर्स्ट बात हुआ ना कि हम भी स्केचिंग करेंगे, या कब लगा कि हम भी स्केचिंग करें? और ऐसे ही YouTube पे मतलब वीडियोस देख रहे थे तो उसमें नीचे ऐसे ड्राइंग का आते रहा, तो हम भी सोचे हम भी बनाएं। तो मैं भी सीख सकता हूँ क्या कि कैसे स्केचिंग करें? तो घर में भी कोई करता है आपके? नहीं, कोई नहीं करता है। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। सांस लेने से पहले हम चाहते नहीं कि बुला ले दूसरा एगो प्रतिभागी, बहुत देर से वेट कर दे रही है। आ जाओ, आ जाओ, आइए आइए आइए, यहाँ यहाँ, ये लीजिए, ले लीजिए, आप माया उधर जाइए जी। आप क्या सुनाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या करके बताएंगे? सर, मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, किसकी मिमिक्री करेंगे आप? एक बहुत ही आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर है सिंचैन, मुझे उसकी मिमिक्री करना आता है। सिंचैन? हाँ, सिंचैन। मेरा नाम सिंचैन है, मुझे उसकी मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको मेरी आवाज अच्छी लगी? हाँ लगी। और अब यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी इधर उधर से जो कुटपुट की आवाज, हाँ, आ रही है, उसकी आवाज इसलिए आ रही है कि वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि यार मेरा नंबर कब आएगा यार। तो मैं भी कर रहा हूँ ना कि आपका नंबर आ गया, आइए, तो आइए, आ जाइए यहाँ, दो दो सखियाँ बाप, ये तो दूसरे एंकर,
ये माइक लीजिए, कुछ विशेष होने वाला है लग रहा है दोनों सक्सेस। हाँ, हम लोग एक सॉन्ग गाने वाले हैं। अच्छा, एक सॉन्ग कौन सा गाना गाने हैं? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। फिर एकदम गाइए बढ़िया से। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया गाया। मैं ताली बजा दे तो आप लोग भी बजा दो ना इनके लिए, इतना बढ़िया गाया इन लोगों ने। क्या नाम बताया था आपने अपना? सृष्टि। सृष्टि, कौन से क्लास में आप लोग? 10th जी। आप दोनों एक ही क्लास में? वो अभी हम लोगों का डांस होने वाला था तो हम लोगों ने अभी क्विक डिसीजन लिया कि हम लोग सॉन्ग करेंगे क्योंकि डांस में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो आप लोग गाना भी गाते हो, डांस भी करते हो, एंकरिंग भी, मतलब सब कुछ करना चाहते हो? हमारे इस फ्रेम में यहाँ के प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं तो पुरजोर तालियों के साथ एक बार पुनः हम उनका स्वागत करेंगे। सर, प्लीज वेलकम सर, आइए। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, को नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा। हम लोग वैसे तो अब तक जितने हम लोग एपिसोड की शूटिंग किए उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं नहीं गए, हम लोग मतलब राजधानी में और जो भी मतलब कैपिटल है वहीं पे गए, लेकिन यहाँ हम लोग सिवान ज़िले में महाराजगंज में और इस DAV में जो आए तो निश्चित तौर पे हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा। अब आपकी फीलिंग्स हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा और धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आपने हम लोग को शूटिंग के लिए परमिशन दिया, आपने बुलाया, स्वागत किया। सबसे पहले जो MH टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा स्कूल को चुने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के डेट में लोग स्पोर्ट्स के ऊपर, क्राइम के ऊपर और करप्शन के ऊपर, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए ये एक अच्छा चीज़ है और वो जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और वो दूसरा जो एक दूसरे को देख के भी सीखने के लिए भी मौका मिलेगा, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, यहाँ के बच्चों के बारे में क्या आपकी आपका ओपिनियन क्या है, कैसा लगता है? बच्चे जो है टैलेंटेड है और उन सब क्वालिटी रहता है, लेकिन एक टीचर का रोल होता है हम लोग उसको पहचाने और जो जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और जो इसमें अच्छा कर सकता है उसको फ्रीडम दे, वो अच्छा कर लेगा जी। तो माया जी, माया जी के सर इनकी आंखों को मैं देख रहा हूँ, इनके फेस को तो लगता है इनके मन में कुछ सवाल है जो बंधे पड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि जरूर आप पूछिए। सर मेरा बस यही है कि मैं काफ़ी देर से देख रही थी, आप बहुत कम हंस रहे थे तो डर रही थी आप? नहीं, हाँ मैं डर भी रही थी। दिनों में बहुत ज़्यादा सर से डरती थी और ये हमेशा सर से पूछती हैं, प्रिंसिपल सर लोग जब भी होते हैं तो पूछती हैं कि सर आप स्कूल के दिनों में कितने बदमाश थे, और मैं इनसे भी यही सवाल करने वाली थी, यही करने वाली थी। जवाब आपको देना होगा सर। हाँ, सबका लाइफ में आता है और वो जो स्टूडेंट लाइफ ये बहुत अच्छा होता है और उस दिन को यदि याद करते हैं तो लगता है कि जो है वो दिन फिर कब आएगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम बच्चे के साथ रहते हैं हम अपना एज को भूल जाते हैं तो एक एनर्जी मिलता है, और शरारत तो सब लोग किया है, हम भी किए हैं, मैं बच्चे इतना बच्चे है बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट रहा तो क्या होता था कि उस टाइम पे मैच होता था गांव में खेलने के लिए जी। हम क्या करते थे, बैग जो है रख देते थे, दोस्त लोग को बोल देते थे कि आप जो है ले जाना, लेकिन हम जो है, जो हमारा एक बहन थी वो टीचर थी
उनका क्लास के बाद हम भी भाग जाते थे खेलने के लिए, इसके बाद जो है आते थे पता नहीं चलता था, लेकिन जो है इसके बाद हमको भी लगा कि नहीं वो सही नहीं है, क्योंकि कोई भी काम गलत करते हैं उसका परिणाम भी गलत होता है जी। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो करे हम ऐसे कोई भी काम नहीं करें कि जो पब्लिक में भी जो है नहीं बता सकते। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपके पूरे स्कूल के सभी बच्चों को, सारे टीचर्स को और यहाँ के पूरे प्रशासन को, हमारी टीम को आके बहुत अच्छा लगा। माया और हम बहुत खुश हैं और हम दोनों अपने तरफ से यहाँ के सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएँ देते हैं कि बहुत अच्छा करो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और स्कूल लाइफ को याद रखना, स्कूल लाइफ शो को भी याद रखना और MH1 को दिल से लगाए रखना। चलते चलते आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।